लर्निंग एनवायरनमेंट, आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह की है, आप किस एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे हैं, ये 6 मेजर पिलर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी क्वालिटी में। एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एंड रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ लेबर मार्केट। वाइल एलिमेंट्री स्कूलिंग इज फेसिंग मैनी डेफिशंसीज इन ईच ऑफ द इनपुट एरियाज दैट वुड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। एलिमेंट्री स्कूलिंग में बहुत सी डिफिकल्ट जो डेफिशंसीज हैं वो फेस कर रहे हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन इम्प्रूविंग द टीचिंग रिसोर्सिस एंड द पेडागोजिकल अप्रोचेज टीचर्स अप्लाई। द रिफॉर्म ऑफ टीचिंग क्वालिटी इज ऑफ द हाइएस्ट प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, reform is required in pre-service training and standardization of qualification, professional development, teacher remunerations, career progressions and status, and governance and management of the teaching workforce raise the quality of teacher education. Major jo focus hai wo teacher education ki quality pe hai। दोनों एक्शन रीडिंग करें आप, पॉइंट वन पॉइंट टू। पॉइंट वन, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स। क्लियर, सबको अगेन रिपीट कर देता हूं। गवर्नमेंट शैल बी टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट टीचर रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड पोस्टिंग। तीन चीजें, रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रमोशन, और फोर्थ पोस्टिंग जो बेस्ड होनी चाहिए मेरिट पे, सिर्फ और सिर्फ। पॉइंट फाइव, पॉलिसी एक्शन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स शैल बी गिवन विद ड्यू अटेंशन टू डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रोसीजर नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग स्किल्स। किसके ऊपर उसकी अटेंशन होनी चाहिए? डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग स्किल्स, ये चार पॉइंट। सिक्स, पॉलिसी एक्शन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इन साइंस में जो है शैल बी बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस करे? रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज ऑफ साइंस किट्स एंड प्रोविजन ऑफ साइंस किट्स टू ऑल प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स। पॉलिसी एक्शन नंबर 7, टीचर एलोकेशन प्लान लाइकवाइज शैल बी बेस्ड ऑन स्कूल्स needs and qualifications of teacher. Over the course of next 2 years, government shall develop a rationalized and need-based school allocation of teachers, which should be reviewed and modified annually. Teacher allocation plans. Policy action 8. Institutionalized and standardized in-service teacher training regime shall be established in those provinces where it has not already been done. जहाँ पे नहीं done हुआ वहाँ पे institutionalized and standardized in-service teacher training होगी। Policy action 9. इन सर्विस ट्रेनिंग शैल कवर अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज, पेडागोजी एंड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, टेस्टिंग एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस, मल्टी ग्रेड टीचिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एंड प्रोग्राम्स टू कैटर टू emerging needs like trainings in languages and ICT,
information computer technology. Information and communication technology, ICT. Training needs shall be assessed on the basis of research and training programs. Policy action number 11, government shall take steps to improve social status and morale of teachers. These include upgrading of teacher salaries as part of establishing a separate teaching cadre and teaching career, teachers professional development and reward system based on performance measures. Policy action number 12, incentives shall be given to teachers in rural or other hard areas at least to compensate for loss in salary through reduction of various allowances given for urban but not for rural postings. Policy action 13, in-service teacher training institutions shall pay emphasis on developing the capacity of teachers and school managers for school development plans to overcome low achievement scores. Policy action number 14, special short-term courses for improvement of language skills for rural areas teachers shall be designed. Problems and issues of teacher education. हाँ जी, ये आठ की आठ प्रॉब्लम स्टडी करें आप. प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ टीचर ट्रेनिंग. नंबर वन प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन. जो फंड्स एजुकेशन के लिए एलोकेट करते हैं उसका इशू, वो प्रॉपर होते हैं या नहीं होते. गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. नंबर थर्ड, स्क्रेसिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सिस. पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स. Lack of potential and competent educators. Lack of interpersonal and counseling skills. Poor evaluation and assessment criteria. ये all problems और issue हैं teacher education के लिए. Elementary and secondary school teachers training. Elementary school कौन सा school होता है और उसका training of elementary school teachers. Conventional training program, field-based training program, training of teachers through distant education. जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं, फील्ड में जाके किसी स्कूल्स में जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप ट्रेनिंग ले, या कन्वेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है. ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. बीएस एजुकेशन, आप इंटरमीडिएट करते हैं, बारह जमाते करते हैं, प्लस तीन साल का ये प्रोग्राम है. बीए ग्रेजुएशन के बाद आप जब ग्रेजुएट करते हैं, बीए बीएससी, उसके बाद एक साल का प्रोग्राम. ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. एजुकेशन फाउंडेशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD, ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को. प्री सर्विस एजुकेशन, दीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड अ डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन चेंजेस एंड द रोल ऑफ टीचर्स. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देम. Modern technology, modern methodology, history of education, philosophy of education, guidance and counseling, testing and measurement, school, sociology of education, education psychology, child development, anthropology and the like subjects. Curriculum for pre-service teacher education.